साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मैं पीछे लगभग साल भर पहले भी इस तरह से वीडियो मैंने डाले थे। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो फॉर्मूला भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अगर सेट होता है तो इसी पे अपन आगे नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाए। चाहे मैं कोई भी कंट्री में रहूं, चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए मैं बनाता हूँ ताकि अगर आप इस चीज में इस तरह के जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपको किस किस तरह की कंडीशन और फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है। कई बार क्या होता है, एजेंट आपको घर बैठे जॉब दिला देते हैं वगैरह वगैरह, तो चीटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो 100% गारंटी के साथ आप ठगे नहीं जाओगे। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं कुवैत से रिलेटेड। अगर आप कुवैत जॉब में स्टोर कीपर से रिलेटेड कभी अप्लाई करते हो, क्योंकि आपको पता चलती हो कि हर जगह कहीं पर भी आप देख लीजिए उठा के अच्छी कैटेगरी के जॉब में आपको लालच दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। तो शुरुआत करते हैं कुवैत से रिलेटेड। अगर आप स्टोर कीपर जॉब में जाना चाहते हैं तो क्या कंडीशन और फॉलो आपको करना पड़ेगी। अगर आप उस चीजों में अवेलेबल हैं, आप आपकी क्वालिटी है, तो ही उसमें आपको जॉब मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं कुवैत से रिलेटेड। स्टोर कीपर है क्या चीज? पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है कि स्टोर कीपर होता क्या है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, उनको ये नहीं पता होता है करना क्या, ऑफर लेटर आ जाता है कि आप सिलेक्शन हो गए। स्टोर कीपर का मतलब होता है एक स्टोर टाइप, इधर से वो स्टोर कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए होटल है, कंपनी है, या फिर मॉल है, गोदाम है, कहीं पर भी सामान रखा हुआ होता है बहुत सारा, ठीक है, वो एक स्टोर जिसको बोलते हैं। अपने घरों में भी देखा होगा स्टोर होता है, अलग एक स्टोर रखा है, उसमें सामान पड़ा रहता है। तो उस सामान का हिसाब किताब जो आदमी रखता है उसी को स्टोर कीपर बोलते हैं। यानी कितना सामान गया, कितना आया, कितने सामान कितने को कितना दिया, कितने ने जमा करवा दिया, कितना सामान बाकी है। जैसे खास तौर से कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के आपको इसमें काम करना पड़ेगा। ये काम कहाँ कहाँ होते हैं? ये काम होटल में भी हो सकता है स्टोर कीपर का, बिल्डिंग लाइन में, मॉल में, गोदाम में, कंपनी, अन्य जगह, किसी भी प्रकार की जहां पे सामान लाना और ले जाना होता है वो स्टोर कीपर का कहीं पर भी काम हो सकता है, ठीक है सर। ये मैंने आपको चीज बता दी। अब योग्यता की बात करें तो स्टोर कीपर में अगर आप जाते हो तो आपको क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए? 10वीं 12वीं तो मस्ट है, 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा बंदा तो होना ही चाहिए। कम से कम 50-60% इंग्लिश आना उसको बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो वह हिसाब किताब कैसे करोगे? सोचने की बात है। हिसाब किताब इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा, आपको पता है अदर कंट्री में आप जॉब पे जा रहे हो, इंडिया तो है नहीं कि हिंदी में आपने लिख दिया, आपने तो इंग्लिश में काम करना है। तो इंग्लिश में करने के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है 50-60%। जैसे आपके मान लीजिए आपको कितना सामान गया, कितना है, उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो वो इंग्लिश में होती है। आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ काम नहीं करना आता आपको ऐसे ही जॉब उठा के दे दिया जाता, नहीं भाई। आजकल आपको पता है इंडिया में डिजिटल हो रहा है तो अदर कंट्रियों में तो बहुत पहले से डिजिटल चल रहा है, तो पूरा काम कंप्यूटराइज होता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, एंट्री करना आना चाहिए आपको, बेसिक ये नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। डायरेक्टली नए बंदे को ये ऑफर, ये जॉब नहीं मिलेगा, ये नोट कर लें। नया बंदा अगर आप हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर मांगते हैं, जैसे आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस हो चाहे बाहर का हो, ये कंडीशन इसमें लागू होती है, ठीक है साथियों। अब इसमें ड्यूटी की बात कर लें, 8 से 9 घंटे इसमें ड्यूटी होती है मस्ट। गल्फ में चले जाओ या कोई भी कंट्री चले जाओ ड्यूटी इतनी रहेगी। अब सब लोगों को पता है जुम्मा की इसमें छुट्टी हो जाती है, फ्राइडे जिसको बोल सकते हैं, प्लस ओवर टाइम इसमें हो जाता है। सैलरी की बात करें तो 150 KD तक इसमें सैलरी कुवैत में मिल जाती है आराम से। 150 × 36 के भाव में आप लगभग 35,000 इंडियन करेंसी आप शुद्ध इनकम इसमें मिल सकती है। ओवर टाइम करोगे तो अलग से हो जाती है, प्लस आपको रूम मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है, कंपनियां कुवैत में फूड मिल जाता है, या कंपनी पैसा दे देती है 20 KD का, आराम से बंदा 20-30 KD में खाना खा लेता है, रूम मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा 2 साल का आपका वीजा रहेगा, ठीक है साथियों। आने जाने की टिकट भी बहुत सारी कंपनियां दे देती हैं। ये सिस्टम रहता है सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के लिए, गाइड के लिए वीडियो बनाया गया। कम से कम सैलरी इतना मिलता है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है भाई। जैसी कंपनी है वैसी सैलरी मिलती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सेम ये नहीं होता कि 150 बोल दिया तो ये 150-150 KD मिलेगी, नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है, वो कंपनी के हिसाब से होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, ठीक है साथियों। तो ये स्टोर कीपर से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो आप जानकारी दी है। सिर्फ मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं आपको बता सकूं अगर आप कुवैत से रिलेटेड अप्लाई करना चाहते हैं
तो इस तरह से स्टोर कीपर में अगर आप जाते हो तो ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बावजूद अगर कोई आपको बोलता है कि बिना इंटरव्यू के आपको हम ऑफर लेटर दे रहे हैं या स्टोर कीपर का जॉब ले रहे हैं, तो 100% ये झूठ और फेक जॉब होगा, आपको ये जॉब नहीं मिलने वाला। इस तरह से अगर आप फॉलो करते हो, इंटरव्यू देते हो, ऑफर लेटर आता है तो जेन्युइन होता है, बाकी भाई फेक रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने एडवाइस दे दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में सभी कंट्रीज से रिलेटेड मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की सही जानकारी, सही मोटिवेशनल वीडियो आपको हर रोज मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।